विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अभी भी पुलिस को उसके 11 साथियों की तलाश है। इस बीच विकास दुबे के आतंक से जुड़े कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहे हैं। मंगलवार को विकास दुबे का 5वां वीडियो वायरल हुआ। इसमें उसके दबंगई साफ छलकती है। वायरल वीडियो उस समय का है जब एक मामले में विकास दुबे जेल से छूटकर बाहर आया था और उसके स्वागत में उसके काफी समर्थक जुटे थे। नेताओं की तरह सफेद कुर्ता पैजामा पहने स्वागत के लिए आए बुजुर्गों का पैर भी छूकर आशीर्वाद भी ले रहा है। तभी नारा लगता है, शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया। चौथे वीडियो में भी दिखी थी दबंगई। जी हाँ, बता दें आपको कि शनिवार को विकास दुबे का 4वां वीडियो वायरल हुआ था। इस बार वह लोगों को दंगल के लिए खुलेआम चुनौती देते दिख रहा। वह बोल रहा है कि दंगल हाँक दिया है हमने, अगर कोई लड़ने वाला पहलवान हो तो बताओ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव में उसका रुतबा किस कदर था। विकास दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के बिकरू गांव 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद FIR में विकास दुबे के अलावा अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउआ, हीरू, शिवम, जिलेदार राम सिंह, महेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, शामू, वाजपेयी, राजन मिश्रा, बाल गोविंद, दयाशंकर, अग्निहोत्री शामिल थे, जिसमें अब तक पुलिस विकास दुबे, अमर, अतुल, प्रेम कुमार, प्रभात और बउआ को मुठभेड़ में मार गिराया है। जो बचे हुए अपराधी हैं उनकी तलाश में STF ने बीते दिनों कानपुर देहात, औरैया और झांसी में एक साथ दबिश ऑपरेशन चलाया था, जिसमें एक दर्जन लोगों को उठाकर पूछताछ की, मगर उनसे कुछ नहीं मिला। 7 लोगों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। विकास दुबे को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने का जिम्मा था जय वाजपेयी के पास। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद जय ने अपनी लग्जरी कारों से विकास और उसके गैंग के सदस्यों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का जिम्मा लिया था। इटावा में मुठभेड़ में मारा गया बउआ का आर्यनगर निवासी जीजा प्रशांत उर्फ डब्लू भी साजिश में शामिल था। घटना के बाद शहर में नाकेबंदी के चलते दोनों विकास तक पहुंच नहीं सके और इससे पहले ही जय के घर पुलिस का छापा पड़ गया। लावारिस खड़ी तीनों कारों को भी बरामद कर लिया था। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।